राजापुर नाम का एक गांव था जो कि एक जंगल के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव के किनारे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान से अक्सर रात को डरावनी आवाजें आती थी। उसी गांव में शांता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। शांता का घर कब्रिस्तान के पास ही था। एक सुबह शांता उठती है और अपने घर का दरवाजा खोलती है। शांता को गुस्सा आता है क्योंकि उसके दरवाजे के सामने एक खोपड़ी पड़ी होती है। ये कौन नास मिटा है जो सुबह सुबह मेरे घर के सामने खोपड़ी रख गया। तभी वहाँ राजा आता है जो स्वभाव से काफी मनचला होता है और शांता से बोलता है। अरे क्या हुआ मेरी माधुरी, क्यों सुबह सुबह गुस्सा हो रही हो? इसने क्या कर दिया? राजा की बात सुनकर शांता को और गुस्सा आ जाता है और राजा को डांटते हुए बोलती है, भाग यहाँ से, आ गया सुबह सुबह मस्खरी करने। जा अपनी माँ को बोल, माधुरी एक तो पता नहीं किसने ये जानवर की खोपड़ी मेरे घर के सामने डाल दी है। शांता की बात सुनकर राजा खोपड़ी के पास जाता है और देखता है। राजा खोपड़ी देखकर डर जाता है क्योंकि वो एक इंसानी खोपड़ी होती है। अरे मौसी, ये जानवर की नहीं बल्कि इंसान की खोपड़ी है, लेकिन इसे यहाँ कौन लेकर आ गया? राजा की बात सुनकर शांता को और गुस्सा आ जाता है और वो राजा से बोलती है, अरे मुझे इतना पता होता तो मैं तुझसे बोलती, कहीं ये शरारत तेरी तो नहीं? अरे मौसी कैसी बात करती हो, भला मैं ऐसा गंदा मजाक क्यों करूंगा। तभी वहाँ दो गांव वाले रामू और भीखू आ जाते हैं और पड़ी हुई खोपड़ी को देखकर बोलते हैं, अरे ये सब क्या है, ये इंसानी खोपड़ी कहाँ से आ गई? इसे यहाँ कौन लाया? मैं इसे लाया, इसमें डालकर नारियल पानी पीना है। कैसी बात कर रहे हो तुम, भला हमें पता होता तो हम यहाँ ऐसे हैरान और परेशान कैसे होते हैं? चलो अब इस खोपड़ी को फेंक देते हैं। फिर वो तीनों खोपड़ी को उठाकर कब्रिस्तान में फेंक देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह शांता के घर के बाहर खोपड़ी पड़ी होती है। शांता इससे पहले कुछ समझ पाती, वहाँ और भी गांव वाले आ जाते हैं। सब गांव वालों के हाथ में इंसानी खोपड़ी होती है। अरे ये सब क्या है गांव वालों, आज तुम्हारे घर के सामने भी इंसानी खोपड़ी, ये कैसे आई? तभी दिनू नाम का गांव वाला बोलता है, अरे मौसी क्या बताऊं आपको, कल रात मेरे दरवाजे से जोर से कोई चीज टकराई, मुझे लगा कोई शराबी होगा पत्थर फेंक रहा होगा। सुबह उठकर देखा तो ये इंसानी खोपड़ी निकली और मैं ही नहीं और भी गांव वालों के घर के आगे से ये इंसानी खोपड़ी मिली है। इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। हर रोज गांव में इंसानी खोपड़ी मिलने लग जाती है जिसके कारण गांव वाले परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत में इकट्ठा होते हैं। पंचायत में दीनू सरपंच जी से बोलता है, अरे सरपंच जी कुछ करिए, ये तो रोज की बात हो गई है, अब हम काम धंधा करें या ये खोपड़ियां इकट्ठा करें, हैं? दीनू बेटा ऐसे गुस्सा नहीं होते, पहले हम गांव वालों को ये तो पता करना होगा ये रोज रोज इंसानी खोपड़ी आ कहां से रही है, तभी हम लोग भी इस समस्या का इलाज कर पाएंगे। फिर गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं कि रात में वो लोग देखेंगे कि इंसानी खोपड़ी कहां से आ रही है। रात हो जाती है लेकिन गांव वाले डर के मारे घर के अंदर ही छिपकर बैठे रहते हैं। तभी एक गांव के दरवाजे से खोपड़ी आकर टकरा जाती है। गांव वाला दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। लगता है ये खोपड़ी ही है जो मेरे दरवाजे से टकराई है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। गांव वाले की बात सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, चुप करके बैठो, बड़े आए बाहर जाकर देखने वाले, अभी कोई चुड़ैल मिल गई तो तुम्हारा भी नारियल बना देगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ राजा और रामू आ जाते हैं। रामू राजा से बोलता है, अरे राजा भैया यहाँ तो जम कर खोपड़ी गिर रही है जैसे बारिश हो रही है। सही कह रहे हो रामू भैया, लेकिन एक बात आपने ध्यान दी, ये सारी खोपड़ी कब्रिस्तान की तरफ से आ रही है, क्यों ना वहीं चलकर देखा जाए। फिर राजा और रामू कब्रिस्तान की ओर चल पड़ते हैं।
जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं, उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अंदर कई कंकाल और चुड़ैल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है राजा भैया? अंदर तो चुड़ैलों का आईपीएल चल रहा है। सही कह रहे हो रामू, मैंने तो ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। चुड़ैले वो भी क्रिकेट खेलते हुए। कब्रिस्तान में एक कंकाल जो कि बैटिंग कर रहा होता है, बॉलिंग कर रही चुड़ैल से बोलता है। चुड़ैल मौसी, इस बार मेरा शॉट देखना, सीधा गांव में जाकर ही गिरेगी ये खोपड़ी। अच्छा बच्चे, अभी बताती हूँ, ऐसी बॉल फेंकूंगी कि तू सीधा आउट होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर से खोपड़ी कंकाल की तरफ फेंकती है, लेकिन कंकाल खोपड़ी को जोर से मारता है। खोपड़ी उड़ते हुए गांव में जाकर गिरती है। ये देखकर वहां खड़ी एक और काली चुड़ैल बोलती है, ये मरियल कंकाल इतनी जोर से मारता है, हर बार खोपड़ी गांव में जाकर गिरती है। इस तरह से तो हमारे पास एक भी खोपड़ी नहीं बचेगी क्रिकेट खेलने के लिए। अरे मेरी चुड़ैल बहनों, चिंता किस बात की कर रही हो? उस गांव में इंसान भी तो रहते हैं। अगर ये कब्रिस्तान की खोपड़ियाँ कम पड़ जाएंगी तो गांव वालों के सर किस काम आएंगे? कंकाल की बातें सुनकर चुड़ैले और बाकी के कंकाल हंसने लग जाते हैं, लेकिन ये बात सुनकर राजा और रामू बहुत घबरा जाते हैं। अरे राजा भैया, ये तो हम गांव वालों को मारने की योजना बना रहे हैं। एक बार इस कब्रिस्तान में खोपड़ियां खत्म तो ये हम गांव वालों के सर से क्रिकेट खेलेंगे। अरे तुम बहुत फट्टू हो भाई। अरे अभी यहाँ पर खोपड़ी खत्म तो नहीं हुई, इतनी जल्दी भी ये लोग गांव पर हमला नहीं करेंगे। तुम घबराओ मत और इनका मैच देखो। फिर रामू और राजा छुपकर चुड़ैलों और कंकालों का मैच देखने लगते हैं। पूरी रात मैच चलता रहता है, लेकिन जैसे ही दिन होने लगता है, कंकाल और चुड़ैले एक बड़ी कब्र में घुस जाते हैं। ये सब राजा और रामू कब्रिस्तान में खड़े खड़े देख लेते हैं और फिर वापस जाकर गांव वालों को सारी बात बताते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। भैया, ये सब चुड़ैलों और शैतानों का मामला लगता है, हम इंसानों के बस का नहीं है इनसे लड़ना। मैं तो कहता हूँ गांव खाली करके कहीं और चलते हैं। कैसी बात कर रहे हो भिखू, हम अपने गांव को ही छोड़ दें, वो भी चुड़ैलों के डर से? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही कह रहे हो राजा बेटा, इन चुड़ैलों के डर से हम गांव वाले क्यों छोड़े अपना घर? ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चले जाते हैं। उसी रात चुड़ैल और शैतान फिर से क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से गांव में फिर से खोपड़ियां आकर गिरती हैं। अगली सुबह कुछ गांव वाले डर के मारे गांव छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी वहां सरपंच जी आ जाते हैं, उनके साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये बाबा हमें उन शैतानों से मुक्ति दिलाएंगे। ये बाबा करेंगे हमारी समस्या खत्म। अरे इन्हें देखकर तो लगता है ये भी कुछ समय में उन्हीं के जैसे कंकाल बन जाएंगे। तू बहुत ही मूर्ख और बदतमीज है, तुझे बड़े बूढ़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने जादू से भीखू को बकरा बना देते हैं। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं और राजा हंसने लगता है। फिर साधु बाबा अपने पास से एक खोपड़ी निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो खोपड़ी राजा को देते हुए बोलते हैं, राजा बेटा बस तुम ये खोपड़ी किसी तरह उन कंकालों के पास पहुंचा दो, बस फिर देखो कमाल। फिर राजा और रामू वो खोपड़ी लेकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं। चुड़ैल और कंकाल बाहर आकर क्रिकेट खेलने लगते हैं। एक कंकाल जोर से शॉट मारता है, खोपड़ी गांव में जाकर गिरती है। उसी समय राजा अपने हाथ वाली खोपड़ी कब्रिस्तान में फेंक देता है। चुड़ैल उसी खोपड़ी को उठाकर खेलने लगती है और कंकाल की तरफ फेंकती है,
जैसे ही कंकाल खोपड़ी को मारता है वो खोपड़ी एक बम की तरह फट जाती है। तभी सारी चुड़ैले और कंकाल जलने लगते हैं और थोड़ी देर में पूरे जल जाते हैं। उधर गांव में बाबा भीखू को वापस इंसान बनाकर गायब हो जाते हैं।